अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। यूपी में कोरोना विस्फोट हुआ है। यूपी में 4,228 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 12,327 पर पहुंच गई है। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। 2,19,256 सैंपल की जांच हुई है। शिव प्रताप शुक्ला समेत 12 लोग पॉजिटिव हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं शिव प्रताप शुक्ला। तो लखनऊ में भी कई जो मंत्री नेता हैं वो कोरोना की चपेट में आ रहे हैं लगातार एक के बाद एक जो है। और अब यूपी में 4,228 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये नए कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटे के अंदर मिले हैं। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 12,327 पहुंच गई है। टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। 2,19,256 सैंपल की जांच हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक, यूपी में कोरोना विस्फोट हुआ, एक साथ 4,228 नए मामले सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कोरोना के केसेस जो है जिस तरह से बढ़ रहे हैं ये बहुत ही डराने वाले हैं। 4,000 से ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में जब जो है रिलीज हुई है, सरकारी जो रिलीज हुई है उसमें बताया गया है। इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि जो पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री है शिवप्रताप शुक्ला, जो कि राज्यसभा के सांसद है, वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कई नेताओं के संक्रमण की खबर आ रही है। इसके साथ ही लखनऊ जैसे शहर, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, आगरा है, यहाँ पर एक जो केसेस है वो 1,000 से ज्यादा केसेस हो गए हैं। और सबसे खास बात ये कि इस बार कोरोना की जो पहली मौत है वो महाराजगंज से जो हमें खबर मिल रही कि वहां कोरोना संक्रमित एक व्यक्ति की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो टेस्टिंग, भले उत्तर प्रदेश सरकार का दावा ये कि टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो दावे हैं, जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। लेकिन जो तमाम, अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रोटोकॉल की बात करूं, तो प्रोटोकॉल अब भी उतना नजर नहीं आ रहा है जितना सरकार का दावा है। जो है सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो उन दावों की पोल खुलती नजर आती है। अशफाक, तो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं, या फिर जो दावे किए जाते हैं यहाँ पर भी जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिल रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो पहले और दूसरी लहर में थोड़ी बहुत लापरवाही भले ही सामने आई हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग, उससे जुड़े डॉक्टर, स्टाफ, नर्स ऑलरेडी जो है वो फ्रंट वॉरियर है, वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं, रिस्क उन्हीं को रहा है। पीजीआई जैसे संस्थान या मेडिकल कॉलेज, जो लखनऊ का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है या लोहिया है, जब मेरी बात होती तो वहां की कोई भी ऐसा कर्मचारी नहीं है जो पिछली दो लहर में संक्रमित ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो ठीक हुआ और आकर उसने अपनी ड्यूटी अंजाम दी। लेकिन सवाल ये है कि जो आम लोग हैं, जो नेता हैं, जो दूसरे लोग हैं, उन पर जो है जो अनुशासन है, जो प्रोटोकॉल है, वो नजर नहीं आ रहा। उनकी रैलियों में नजर नहीं आ रहा, उनके रोड शो में नजर नहीं आ रहा है, और वहां पर प्रोटोकॉल का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर जो लोग जा रहे हैं वो मास्क नहीं लगाते, वो भीड़ में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत कम लोग, अगर मैं आपको कहूं कि ट्रैफिक जो चलती है, जब रोड पर आप देखेंगे तो जो गाड़ियां चला रहे हैं उसमें से 1-10% से ज्यादा लोग मास्क पे आपको नजर नहीं आएंगे। ये जो है तत्व तो हमें डराते हैं, कहीं ना कहीं जो हमें जो है इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि हम जो है एक बार फिर रिस्क की तरफ बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल अशफाक, अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों में कितनी सतर्कता और कितनी सजगता देखी जा रही है? क्या लोग जागरूक हैं, या फिर अभी भी इतने केसेस निकलने के बाद भी लोग अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, या फिर लोगों की लापरवाही भी निरंतर जारी है? देखिए, जब आम लोगों से हम बात करते हैं तो उसमें कई ऐसे लोग हैं जो कोरोना के संक्रमण को लेकर शक जाहिर करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि कोरोना है, संक्रमण उसका हो रहा है। लेकिन जब उनसे प्रोटोकॉल की बात की जाती है, जब उनसे मास्क की बात की जाती है, तो उनका वो इस पर बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं करते। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करिए तो उसका रिस्पांस नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम, मुझे ये लगता है कि जो है सरकार की तरफ से जो सख्ती पहले जो पहली लहर में की गई थी, शायद उसके बाद जो दूसरी या तीसरी लहर में भी वैसी सख्ती करनी पड़ेगी सरकार को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा सरकारी अमला है, अगर वो सख्ती करेगा तो आम लोग उसको पालन जरूर करेंगे।
जी बिल्कुल अशफाक, सख्ती अगर की जाएगी तो लोग पालन करेंगे। यहाँ पर तमाम जो है अपीलों के बाद लोग नहीं मान रहे हैं, ऐसे में जरूरत है सख्ती की। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो यहाँ पर जरूरत है लोगों को खुद की सुरक्षा के बारे में सोचने की और साथ ही सजगता सतर्कता बरतने की, क्योंकि इतनी संख्या में प्रतिदिन पॉजिटिव मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं। और अगर हम नेता मंत्रियों की बात करें तो वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसे में लोग जो हैं खुद की सुरक्षा और अपनों की भी सुरक्षा का खास ख्याल रखें। जरूरत है कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर कम निकलें और अगर जाते भी हैं तो तमाम जो कोरोना गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए ही लोग बाहर